हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ सुरेंद्र। और दोस्तों, आज बात करेंगे अपन LDC के रिजल्ट के बारे में। साथ में एक दो रिजल्ट और आने वाले हैं, पशुधन सहायक भर्ती वाला, और एक ये है शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड वाला। तो दोस्तों, इसको विस्तार से जानने के लिए आप देखिए वीडियो लास्ट तक, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट और सबसे ऑथेंटिक न्यूज अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, ये विज्ञप्ति है दिनांक 30/9/2018 एवं 21/10/2018 को आयोजित क्रमश शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2018 और पशुधन सहायक भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 31/1/2019 तक जारी कर दिया जाएगा। तो मतलब है कल परसों इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। किस किस का? पशुधन सहायक सीधी भर्ती का और जो शारीरिक शिक्षक है उनका रिजल्ट। तो दो रिजल्ट तो दोस्तों 31 तारीख को आने वाले हैं। और अब सुनिए LDC वाले रिजल्ट के बारे में। बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकेंड सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन माह अगस्त सितंबर में 4 चरणों में हुआ था। दोस्तों, आपको पता ही है कि इसका आयोजन 4 चरणों में हुआ था। सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का दिनांक 14/10/2018 को किया गया था। उक्त भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम जारी करने संबंधी कार्य प्रगति पर है। अतः सूचित किया जाता है कि लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 एवं कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम आगामी 30 से 40 दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर जानकारी ये है कि LDC का और कर सहायक का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा 30 से 40 दिनों के अंदर में। तो अब निकल कर न्यूज़ यही आ रही है कि रिजल्ट का अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, पर दो रिजल्ट परसों के दिन आने वाले हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।